नाचते हैं आगे आगे, लेकिन यह सुनकर कि वो हलीम और पुरोतन है, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। नारे सुनकर एतराज किया गया है। उस्ताद अपने शागिर्दों को चुप करा, उस्ताद अपने शागिर्दों को चुप करा, और वो कहते हैं आज अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चला उठेंगे। कौन से पत्थर चला उठेंगे? वो पत्थर जहां पर 40 दिन और रात उसने रोजा रखा, जिन्होंने उसकी रियासत देखी, वो कुएं के पत्थर जहां पर सामरी औरत इकरार करती है मैंने मशे अलमसी को पा लिया, वो कब्र के पत्थर जहां से लाजर को जिंदा किया गया, और उसकी अपनी कब्र के पत्थर जिन्होंने उसका जी उठना देखा, ये पत्थर भी चला उठेंगे, ये पत्थर भी आवाजें लगाएंगे दाऊद के बेटे को होशा। हजूम है यीशु के चौके, नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए, खुशी का इजहार किया जा रहा है। यीशु बादशाह मेरा, यीशु बादशाह मेरा, हाजिर रहने साथ साथ हैं, कहीं और नहीं पहुंच जाना। यीशु बादशाह मेरा, यीशु शहंशाह मेरा, जाहो जलाल जिसका करे रात में सवेरा। उसके चौगिर्द हजूम है एक जो नारे लगा रहा है। ये नारे लगाने वाले कौन है? ये नारे लगाने वाले कहां से आ गए हैं? ये नारे लगाने वाले यीशु के पास अगर ये मौजूद है, इनको आइडेंटिफाई करें, क्यों इतने जोश से, क्यों इतने वलवले से ये नारे लगा रहे हैं? शायद नारे लगाने वाले, सुनना अपने गौर से, शायद नारे लगाने वाले वो 10 कोड़ी हैं जिन्हें यीशु ने साफ किया। नारे लगाने वाले यायर और उसकी बेटी हैं। नारे लगाने वाला वो बेवा का बेटा है जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया। नारे लगाने वाला लाजर है, मार्था है, मरियम है। नारे लगाने वाले वो अंधे हैं जिनकी आंखें यीशु ने खोली। वो लंगड़े हैं जिन्हें यीशु ने चलाया था। ये वो है जिन्होंने यीशु की ताकत और कुवत और कुदरत को देखा था। फोके नारे नहीं ने, फोके नारे नहीं ने, ताकत और कुवत को देखकर नारे लगा रहे, इकरार कर रहे कि ये वाकई अल मसीह है, वाकई वादा किया हुआ निजात दहिंदा है, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को। यीशु बादशाह मेरा, आपको थोड़ा सा साथ साथ रखेंगे। कितने जिन्होंने ये गीत पहले सुना हुआ था, जिन्होंने ये गीत पहले सुना हुआ था, आता है उनको